मई माता और सर्वदेव में पिता, मतलब क्या है कि सारे तीर्थों का वास किसमें होता है, और सारे देवों का वास, सारे भगवान सारे देवताओं का वास किसमें होता है, पिता में। तो ये शास्त्र वचन है। तो रोज पैर छू के आना चाहिए माता पिता का, तो छूते हो बहुत अच्छी बात है। और याद शक्ति बढ़ाने कुछ उपाय बताऊं आपको, एक तो सीधे बैठोगे, तिलक करोगे, हरि गणेश जी महान कैसे बने थे, माता पिता का पूजन करके, क्या करके, गणेश भगवान ने अपने माता पिता का पूजन किया था, वैसे ही आपको करना है। जो विद्यार्थी जो बालक अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का, बुजुर्गों का आदर पूजन करता है, उनकी चार चीजें बढ़ती है। चार चीजें ये हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो आप सभी लोग अपने माता पिता बुजुर्गों का आदर पूजन करना, तो आपकी भी ये चार चीजें बढ़ेगी। तो माता पिता भगवान की बहुत बड़ी भेंट है हमारे लिए। तो जब तक है, जब तक जीवित है, तब तक हम उनकी सेवा कर लें, उनका आदर पूजन कर लें। तो 14 जनवरी को हम मातृपितृ पूजन दिवस कैसे मनाएंगे, माता पिता के साथ। उठाए हमको जन्म दिया।
पूजन का यहाँ पे दिवस अभी चल रहा था, उस समय सबके पेरेंट्स आए, बट पता नहीं किसी वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए, इसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ। हमारे आँखों में तो बहुत आज बहुत खुशी हुई, जैसे कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का जो पूरे जग में बोला जाता है, लेकिन उस संस्कृति उसको बदलने के लिए हमारे गुरुजी ने जो मातृ पितृ दिवस का डिक्लेरेशन किया है और ये 14 साल से हो रहा है, ये मुझे बहुत खुशी हुई है। आज का दिन वैसे देखा जाए तो हग डे है, मैंने पहली बार अपने बच्चों से जाहिर में हग किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हैं उन सभी पेरेंट्स का खूब तहे दिल से आभार, आपने संस्था के ऐसे कार्यक्रम के अंदर अपना योगदान दिया। और दूसरी बात, बच्चों में आप लोगों को दिल से मैं थैंक यू कहूँगा सारे टीचर्स की तरफ से, क्योंकि टीचर्स की भी आंखों में आंसू है, पेरेंट्स की भी आंखों में आंसू है और बच्चों की भी आंखों में आंसू है, लेकिन मुझे खुशी के आंसू है कि सेंट जोसेफ के अंदर टीचर्स लोग केजी से लेके बच्चों में जो संस्कार डालते हैं भारतीयता के, पेरेंट्स मीटिंग होती है तब मैं स्पेशली पेरेंट्स को कहता हूँ अपने बच्चों को हाय न हेलो का कल्चर मत सिखाओ। अभी गुड मॉर्निंग न गुड इवनिंग कहने वाला बच्चा, कंधे हिला हिला के बातें करने वाला ये बच्चा, बड़ा हो जाके कहीं वृद्धाश्रम के दरवाजे के ना दिखा दे अपने को। अगर वो प्रणाम करता है तो उसको करने दो, जय श्री कृष्ण बोलता है तो करने दो उसको। मैं ऐसी बातें नहीं मानती, उसका बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता है, मेरा बच्चा तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन बोलता है, ये खुशी की बात है। ये कल्चर सिखाओ, आप देख रहे हो इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी छोटी उम्र में उनको फीलिंग्स है, रोना आ रहा है, जिन्होंने पूजन किया उनको भी रोना आ रहा है, जिनके माता पिता अभी यहाँ पे नहीं आ पाए वो अपने माता पिता को मिस करते हुए रो रहे हैं कि आज मेरे मम्मी पापा ये मौका चूक गए, काश मैं उनका भी पूजन कर लेती या तो कर लेता। तो ये हम टीचर्स के लिए बहुत खुशी की बात है कि सेंट जोसेफ जो संस्कार डालती है वो आज हमको हमारे आंखों के सामने दिख गए कि बच्चों में अभी बोलने तक की ताकत नहीं है, इतना वो फीलिंग फील कर रहे हैं। वरना व्हाट्सएप और फेसबुक के इस जमाने में अपने माँ बाप को याद करना बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात के लिए सारे टीचर्स की और संस्था की तरफ से आप लोगों के लिए ताली बजाऊंगा और आप माता पिता के लिए भी कि आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत वेस्टर्नाइज नहीं होने दिया है, दिल से थैंक यू। और 14 फरवरी जो कि पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मनाती है, उस दिन मातृपितृ पूजन दिवस, परम पूज्य आशाराम बापू ने जो चालू किया है हमारी भारतीय परंपरा को कंटिन्यू करने के लिए, आज मैं पहली बार माँ के प्रेम के लिए इतना रोया हूँ। आज जो मातृपितृ पूजन दिवस है उसके वजह से आज मैंने पहली बार मेरी माँ के प्रेम को देखा है। आज मेरी मम्मी नहीं आई इसके वजह से मुझे बहुत दुख है। मेरी मम्मी के पास टाइम नहीं था इसलिए स्कूल में नहीं आ पाई, पर क्या हुआ, पर टीचर तो है ना, टीचर भी एक माँ के समान ही है। आज ये कहना चाहती हूँ क्योंकि आज ना मेरे मम्मी डैडी नहीं आया इसलिए उनके लिए मैंने जो भी फील किया आज, मैं जितनी भी मैंने उनके लिए गलतियाँ की है उनको भूला है उसके लिए सॉरी। और इस जैसे स्कूल मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, मैं सोचती थी कि हाय हेलो इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, पर यहाँ पर आके मुझे बहुत संस्कार मिले, यहाँ पे आके पूरी हनुमान चालीसा श्री रामचंद्र ये सब मैंने सीखा है, और आज के जैसा प्रोग्राम मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। मैं सुन के ही चौंक गई कि मम्मी पापा की भी पूजा की जाती है, फिर यहाँ पर देख मैंने पूजा करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा कार्यक्रम कहीं भी नहीं देखा, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होती है, आज पहली बार देखा है मैंने। मेरे लिए मेरे पापा ने टाइम निकाल के मेरे लिए आए, और ये पहली बार मैंने सोचा है कि इस बार मेरे पापा की पूजा की मैंने, ये पहली बार मैंने अपने पापा की पूजा की। माँ बाप जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, अब तो आज इतनी उम्र के आधा पड़ाव निकल गया है, लेकिन आज उनकी एक एक बात हमें याद आती है
कि हमें ज़िंदगी के लिए उन्होंने हमें पालने पोषने के लिए ज़िंदगी में कितनी मेहनत की, और आज हम उसी दौर से हम गुजर रहे हैं कि आज हम अपने बच्चों को वही संस्कार, वही शिक्षा, उनको एक एक आने वाली मुसीबत से पहले ही हम आगाह करते हैं कि नहीं, ये ज़िंदगी है, आगे कैसे चलना है। और ये आज अपने माँ बाप को आज भी हम याद करते हुए रोए, और हमेशा से दुआ करते हैं कि वो जब जहाँ कहीं भी हो भगवान के पास, और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें, और अब हमेशा उनके सपनों को पूरा करते रहें। हरिओम। आज सभी बच्चे और सभी बच्चों के पेरेंट्स आए थे, सभी का पूजन बहुत अच्छे से हुआ, काफ़ी पेरेंट्स और काफ़ी बच्चे सभी रो भी पड़े, क्योंकि माता पिता की फीलिंग्स ही कुछ ऐसी होती है। आश्रम बापू के आश्रम में से जो भी साधक लोग आए थे और उन्होंने जो भी कार्यक्रम करवाए वो हमें बहुत अच्छा लगा, और आशा रखते हैं कि हर साल इस तरह से 14 फरवरी को वो लोग हमारी स्कूल में आएंगे और हर साल ऐसा कार्यक्रम करवाएंगे। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम 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 हरिओम।